पूरा मामला क्या है? क्लास में कुछ लड़कियां हैं जो ऑब्जेक्शन करती थी कि सर ने मेरा स्कार्फ निकलवा दिया है, तो मैंने उसको बताया था कि ये जो स्कार्फ है ये मतलब लगाई हो तुम बहुत अच्छा, लेकिन ईयरपॉड्स वगैरह लगा के चीटिंग करते हैं लोग, इस वजह से सर ने बोला था कि स्कार्फ निकाल देना है। तो उस पर वो लोग करने लगी कि हम लोग का रिलीजन है ये वो। तो जब किसी फंक्शन वगैरह में ये लोग जाती हैं तो उस वक्त उनका दुपट्टा कहाँ जाता है, और एग्जाम के वक्त इन लोगों को अचानक से अपना रिलीजन याद आ जाता है, जिसकी वजह से सवाल इन लोगों पे कम और रिलीजन पे ज्यादा उठाया जाता है। ये जो हिजाब के मामले उठ रहे हैं, क्या सच्चाई है इसमें? टीचर के द्वारा उनको बोला गया हिजाब हटाने के लिए, फिर उनको धमकी को लेकर कुछ हिजाब हटाने कभी नहीं बोले किसी बच्चे को, सिर्फ इतना बोले हैं कि तुम लोग अपने कान खुले रखो। अच्छा। बस दैट्स इट। तो उस पे लड़कियों ने क्या कहा? उस पे लड़कियां मतलब इसको एक अदर सेंस में ले जाती है कि हमारा रिलीजन है और सर हमारे रिलीजन के खिलाफ काम करवा रहे हैं, पूछ रहे हैं, हम लोगों से बोल रहे हैं कि हिजाब निकाल दो। आप उसी क्लास में थी? जी हम उसी क्लास में थे। क्या नाम हुआ? अहमद फातिमा।